देखिए नेक्स्ट हमारे पास ट्राइंगल थ्योरम है, रिजल्ट्स ऑन पाइथागोरस में ऐसा क्वेश्चन ले लीजिए या रेफरेंस बुक में ऐसा थ्योरम दिया हुआ है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल, ठीक है ना। तो बना लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल बोल रहा है, तो हम कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी, द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल्स टू द, सॉरी, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है। तो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स मतलब सपोज मैंने लिया ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो गिवन है मुझको ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, होल्ड करते हैं, यस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द, इज इक्वल्स टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइड, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, सॉरी, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाफ, स्क्वायर ऑफ हाफ, ठीक, स्क्वायर ऑफ हाफ मतलब हाफ करिए पहले तीसरी का और फिर क्या करिए उसका स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ द हाफ ऑफ थर्ड कौन बची, बीसी, तो बीसी का पहले क्या करेंगे हाफ, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे ट्वाइस, ठीक, is equals to the twice the square of the half of the third side together with, सुनिए together with का मतलब add कर दीजिए, together with का मतलब क्या कर दीजिए sum, together with twice the, ठीक, square of the, तो square of the किसी का square होगा square of the median which bisects the third, स्क्वायर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्स द थर्ड, क्या मीडियन का काम क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, सुनिए जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा टेंट लेके आऊंगा, तिरछा लेके आता हूँ, ये देखिए जान बूझ कहीं हम कंफ्यूज ना हो, ओके। तो ये देखिए एडी सपोज क्या है, मीडियन, ठीक है, तो ट्वाइस द एडी स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है, डॉट का मतलब इनटू, ओके। तो एडी क्या है यहां पर, एडी इज मीडियन, अगर एडी मीडियन है तो बीडी किसके इक्वल होगा, डीसी, तो दिस इंप्लाइज दैट कि बीडी इज इक्वल्स टू डीसी, ओके, ये हमको पता है, चलो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, बीडी से कोस डीसी प्रूफ करना है, नहीं सर, हां ओके, हां ठीक है, ये प्रूफ करना है, ऐसा ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखिए अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बीसी, draw AE perpendicular to BC, AE एक perpendicular draw करिए किस पर, BC पर, BC पर A से E, ये देखिए A S, देखिए ये 90 हो गया, ठीक है ना। Now अब देखिए ट्राइंगल ए ई जी कितना आ गया 90, सिंस ट्राइंगल बोल रहा हूँ सॉरी एंगल ए ई जी, ए ई जी कितना गिवन है हमको 90, ओके। अब ट्राइंगल ए डी ई लीजिए, ए डी ई, तो इन ट्राइंगल ए डी ई, ओके, ए डी ई में 90 कौन है, ए ई डी, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए डी ई होगा, इधर ध्यान दें थोड़ा सा,
ये वाला जो एंगल होगा पक्का वो 90 से छोटा होगा, क्योंकि भाई जब एक 90 हो ही चुका है ये कभी भी 90 के इक्वल है, 90 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए डी ई इज लेस देन 90, ए डी ई इज लेस देन 90 डिग्री। ओके सुनिए, इधर देखिए, अगर ये वाला 90 से छोटा है तो ये वाला 90 से क्या होगा, बड़ा बड़ा, ठीक है ना। क्यों होगा उसको ऐसे समझिए कि भाई मान लो ये है 45 डिग्री, मान लो ऐसे बस, या 30 डिग्री है मान लो ये, तो लीनियर पेयर से कितना आएगा 180 माइनस 31, जो भी आएगा। अगर ये मान लीजिए, अगर ये एंगल 89 डिग्री भी है, मान लीजिए अगर ये 89 डिग्री है तब भी ये कितना आएगा 91 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 से छोटा है तो पक्का एंगल ए डी बी जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, ठीक है। तो सिंस एंगल ए डी ई इज लेस देन 90, देयरफॉर वी कैन से दैट कि एंगल ए डी बी इज इक्वल्स सॉरी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये दोनों बातें ध्यान रख के चलिएगा। ओके अब इस ऐसा हमने क्यों दिखाया, ऐसा हमने इसलिए दिखाया ताकि एंगल ए डी बी क्या बन जाए, ऑब्ट्यूस। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ए बी डी इज ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एट डी ऑब्ट्यूस एट डी। ऑल्सो ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल ए डी सी एक्यूट। क्यों देखिए, अभी अभी ये मैंने 90 से छोटा दिखाया, और इसी तरीके से अगर मैं ए ई जी में सी के बारे में बात करूं, वो भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, और ऑटोमेटिकली ये भी 90 से क्या होगा, ठीक है ना। ओके तो एबीसी एबीडी इज ऑब्ट्यूज एट डी, ओके, एंड एडीसी इज एट ट्राइंगल एडीसी। ध्यान से देखिए, एबीसी इज ऑब्ट्यूज एट डी इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना, इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए एक्यूट तो आप कहीं पर भी ले लीजिए ना, जब जैसा आपको काम पड़ेगा। ओके डी पे लेना हो डी पे ले लेना, सी पे लेना हो सी पे ले लेना। अब जो पुरानी थ्योरम्स हम लोग पढ़ के आए थे वो लगा देते हैं और ये आंसर आ जाएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा था ऑब्ट्यूज के लिए, अभी अभी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स बी डी इंटू डी ई। समझ रहे हो, डी ई क्या है, बची हुई साइड ए डी का बी ई पर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो पहले ट्राइंगल ए बी डी के लिए हम लगाते हैं थ्योरम, ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम क्या कहती है, कौन से ट्राइंगल में देखने जा रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या पढ़ाया गया था, 90 के सामने सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाले साइड्स का स्क्वायर बाकी दोनों बची हुई साइड्स के स्क्वायर के सम एज वेल एज ट्वाइस ऑफ द वंस सॉरी ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वन साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ अनदर साइड ऑन द फर्स्ट साइड, ठीक है। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस टू टाइम्स प्लस टू टाइम्स BD लॉग BD इनटू BD BD इनटू और BD। देखिए ये तो मेन हो गई, BD इनटू बची हुई साइड AD का BD पर प्रोजेक्शन क्या है, BD तो इनटू
डी. ओके ये हो गया. नाउ बट वी नो दैट कि एडी वाज द मीडियन. यस सर. तो बीडी का लेंथ इसके इक्वल है डीसी के. बीडी का लेंथ इसके इक्वल है डीसी के. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि एबी स्क्वायर इज गिवन बाय एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बीडी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं डीसी इनटू डीई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके नाउ अब ओके अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास ट्राइंगल एसीडी. इन ट्राइंगल एसीडी एसीडी ठीक है ना. एसीडी ट्राइंगल में मैं क्या लगा सकता हूँ एक्यूट एंगल थ्योरम. एक्यूट एंगल थ्योरम सपोज मैंने सी को एक्यूट माना है. किसको? सी को. सी को तो सी के सामने वाला जो साइड होगा एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस डीसी. कौन से ट्राइंगल में लेंगे एसीडी में. ओके हाँ ठीक है ए सी डी में. ओके ए सी डी में अगर मैं लूंगा तो एक्यूट एंगल अगर मैं सी को ले रहा हूँ तो सी के सामने वाला साइड ए डी. तो ए डी का स्क्वायर इज गिवन बाय ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 टाइम. एक काम करिए इसको जो है डी पे एक्यूट लीजिए. ओके डी पे देखिए जी को हम एक्यूट लेंगे तो क्या बनेगा एसी का स्क्वायर एडी का स्क्वायर. देखिए उसका बस रीजन है मैं बता देता हूँ. उसका रीजन ही एडी स्क्वायर को मुझे मिला ही और क्या मिल जाए किसी तरीके से एसी स्क्वायर. तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूंगा एलएचएस एलएचएस में आरएचएस आरएचएस में ठीक है ना. तो बनेगा मेरा एसी का स्क्वायर. देखिए एसी का स्क्वायर ये वाली साइड तो कवर हो गई बची हुई क्या एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स डीसी इनटू अब बताइए क्या आएगा डीसी इनटू बची हुई साइड कौन एडी. फिर से मेन साइड तो कौन थी एसी जो कि एक्यूट थी वो तो कवर हो गई ठीक. इज गिवन बाय बची हुई साइड्स एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स डीसी और बची हुई साइड एडी का डीसी पर प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन मतलब यहां से जो ला रहे हो 90 जहां पे आ रहा है वहां से यहां तक की लेंथ ना तो क्या हो जाएगा डी. ये हो गया. अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए. Adding 1 and 2. देखिए इधर ध्यान से LHS किस में ऐड होगा LHS में तो क्या हो जाएगा AB square plus AC is equals to फिर इसका RHS इसके RHS में जब ऐड होगा ध्यान से देखिए 2DC DE इधर पॉजिटिव है और 2DC DE इधर नेगेटिव है कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा क्या AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. ओके अब क्या दिखता है यहां पर हमको AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर कितना हो गया 2 टाइम्स AD स्क्वायर बट BD किसके इक्वल है DC के क्योंकि AD क्या है उसका रेडियल है ठीक है ना. तो इसको मैं लिख सकता हूँ AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर 2 टाइम्स जो जो आ रहा है देखिए 2 टाइम्स AD स्क्वायर मिल गया. ओके नाउ अब मुझे बचा के क्या रखना है BC. ये रहा यहाँ से यहाँ तक लेके BC. BC को लाने के लिए मेरे को पता है BC is equals to क्या है बोलिए 2 times BD लिख दीजिए या 2 times DC लिख दीजिए बात क्या है same कोई डाउट है. तो पहले तो मैं क्या करूँगा BD square sorry DC square को मैं क्या सोचूँगा DC square को मैं सोचूँगा BD square क्योंकि DC इसके equal है BD के तो ये BD स्क्वायर
प्लस ये वाला भी क्या हो गया BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या हो गया 2BD स्क्वायर 2 टाइम्स BD का स्क्वायर ठीक क्या रिजल्ट आ गया नहीं क्या करेंगे लास्ट स्टेप पे देखिए आ गया अभी रिजल्ट यहाँ पे मैं करता हूँ क्या क्या है बोलिए AB square plus AC square is equals to 2 times AD square plus 2 times BD square plus 2 तो मैं ऐसे ही लिखूंगा into ये square भी ऐसे ही लगाऊंगा और BD की जगह मैं क्या लिख दूंगा BD की जगह half of BC क्योंकि BC अगर 2 times BD है तो 2 को इधर भेज दोगे तो BD is equals to half of BC तो BD की जगह half of BC आ गया ठीक है ना ये मुझे प्रूफ करना था मैंने प्रूफ कर दिया तो डाउट है बताइए तो इस तरीके से इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट आया है यहाँ से 2 कॉमन लो तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये प्रूफ करिए ये लिखिए 2 इन द ब्रैकेट AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ठीक है ना इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में ओके